नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 3 में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न आपके लिए LT, TGT, PGT, GIC परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, क्या है कि पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पहला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये स्टेटमेंट है। और आगे लिखा है कि किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था, यानी किस विद्वान का यह कथन था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कथन किस विद्वान का था। तो इसको आप सोच के बताइए कि क्या उत्तर होना चाहिए। इसमें आप क्या क्या है, ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी है ब्रह्मगुप्त, सी ऑप्शन है बराहमिहिर और डी ऑप्शन है भारवी। तो आपको सोच के बताना है कि ये किसने कहा था। तो चलिए, सबसे पहले ये बराहमिहिर ने इस बात को कहा था और छठी शताब्दी में बराहमिहिर ने कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और इसी बात को फिर आगे चलकर निकोलस कापरनिकस ने 1541 में इसी बात को कहा था। तो उत्तर क्या सही होगा आपका, सी उत्तर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, और ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है कांट, बी ऑप्शन है होयल, सी ऑप्शन है मोल्टन और डी ऑप्शन है लाप्लास। इसमें गलत छप गया है, क्या है, लाप्लास। ठीक है, तो आपको सोच के उत्तर देना है कि क्या उत्तर सही होगा, इनमें चार में से कौन सा उत्तर सही होगा, कांट सही होगा कि होयल कि मोल्टन कि लाप्लास। तो उत्तर कौन सा सही होगा, चौथा डी आंसर, लाप्लास सही होगा। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक गर्म तथा तप्त निहारिका थी, गर्म तथा तप्त निहारिका, जो कि घूर्णनशील थी। माने ये घूर्णन कर रही थी, फिर इसमें से छल्ले निकले और एक छल्ला निकला, फिर उसी के 9 पार्ट हो गए थे। तो इस तरह से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, इसी को हम कहते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो उत्तर क्या सही होगा आपका, डी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और ऑप्शन क्या दिए हैं, ए ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकंड, बी ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकंड, सी ऑप्शन है 1.3 सेकंड और डी ऑप्शन है 1.3 मिनट। तो आपको सोच के बताना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा, चंद्रमा के प्रकाश को
पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका क्या उत्तर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा 1.3 सेकंड, यानी 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? वो समय है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.3 सेकंड होता है। तो उत्तर क्या सही होगा? सी आंसर आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर मून की परिघटना देखी जाती है। सुपर मून की परिघटना देखी जाती है, ए ऑप्शन है पूर्णमासी व अपसौर यानी पेरिहेलियन की स्थिति में। ए ऑप्शन क्या है? पूर्णमासी व अपसौर यानी पेरिहेलियन की स्थिति में। बी ऑप्शन क्या है? पूर्णमासी तथा अपसौर यानी एफिलियन की स्थिति में। सी ऑप्शन है पूर्णमासी व अपभू यानी एपोजी की स्थिति में। और डी ऑप्शन क्या है? पूर्णमासी व उपभू यानी पेरिजी की स्थिति में। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर सोच के बताएंगे कि सुपर मून की परिघटना कब देखी जाती है। तो चलिए, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हुए हमने इन चीजों को बताया था कि सुपर मून की परिघटना तब होती है, पूर्णमासी की उस स्थिति में होती है जबकि चंद्रमा पृथ्वी के एकदम करीब आ जाता है। तो हम इसको फिगर के माध्यम से फिर एक बार बता देंगे। इसको हमने क्लास में बताया है, ऑनलाइन क्लास में उसके वीडियो पड़े हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल में उसको समझाया है कि जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है। अब जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे और चंद्रमा इस तरफ होगा तब पूर्णमासी की स्थिति बनेगी। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा ना करके कह के एक तल में होंगे तब पूर्णमासी की स्थिति बनेगी। और पूर्णमासी की एक खास दशा जबकि चंद्रमा पृथ्वी के एकदम करीब आ जाए, यानी पूर्णमासी भी लगी हो और चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाए, तो चंद्रमा पृथ्वी करीब कब आता है? उपभू की स्थिति में। उपभू यानी पेरिजी, पेरिजी की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल करीब आ जाता है। और इसी स्थिति में अगर पूर्णमासी लगी हो तो उस पूर्णमासी पे हमने बताया था कि चंद्रमा का आकार जो है 14% बढ़ जाता है और ब्राइटनेस 30% बढ़ जाती है, यानी चमक 30% अधिक हो जाती है, इसलिए चंद्रमा अधिक चमकीला दिखाई देता है। और इसी स्थिति को हम कहते हैं सुपर मून, यानी ये पेरिजी की स्थिति है। तो इसमें क्या क्या शर्तें हैं? एक तो क्या होना चाहिए? पूर्णमासी और प्लस उपभू यानी पेरिजी। अगर ये दोनों स्थितियां हैं तो वो स्थिति सुपर मून की स्थिति बनती है। यानी ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, ए ऑप्शन में लिखा है पूर्णमासी व अपसौर, ये गलत। बी लिखा है पूर्णमासी व अपसौर एफिलियन, ये गलत। सी लिखा है पूर्णमासी व अपभू यानी एपोजी, ये गलत। डी ऑप्शन क्या लिखा है? पूर्णमासी व उपभू यानी पेरिजी, ये सही होगा। यानी डी उत्तर इसका सही होगा, पूर्णमासी तथा उपभू इस स्थिति में सुपर मून की स्थिति बनेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, भूपर्पटी या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ या तत्व है कौन सा तत्व है? ए ऑप्शन है सिलिका, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम,
सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का उत्तर सोचकर बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा ए बी सी डी में से। चलिए तो इसका आंसर क्या सही है, डी ऑक्सीजन। भूपर्पटीय या क्रस्ट में लगभग 46% ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा है, ऑक्सीजन, यानी उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। इसमें से कई प्रश्न हमने अपने बनाए हुए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जैसे इसके पहले था कि सुपरमून की स्थिति कब बनती है वो प्रश्न, और अगला एक कारण वाला प्रश्न, ये रूप से बनाए हुए प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में दिया है कि दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर अर्ध तरलावस्था में है, ये अर्थ इंटीरियर का क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर अर्ध तरलावस्था में है और कारण में लिखा है कि यहां पी तथा एस तरंगों की गति धीमी पड़ जाती है। कारण में क्या लिखा है कि यहां पी तथा एस तरंगों की गति धीमी पड़ जाती है। और अब ऑप्शन क्या है, ए में लिखा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बी में है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी में लिखा है ए सही किंतु आर गलत, और डी में है ए गलत किंतु आर सही। तो इस प्रश्न को सोच के जवाब देना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा। और कथन कारण के प्रश्न अमूमन कठिन ही होते हैं, जब ये मामला फंसता है कि व्याख्या होगी अथवा नहीं होगी तो वो प्रश्न काफी कठिन हो जाता है। तो इसको आप सोच के बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी। चलिए तो इसमें हम देख रहे हैं कि कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है, जब बीच में क्योंकि लगाएंगे वो व्याख्या नहीं कर रहा है कि दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर अर्ध तरलावस्था में है क्योंकि यहां पी तथा एस तरंगों की गति धीमी हो जाती है, तो वाक्य संतुष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि दुर्बलता मंडल के अर्ध तरलावस्था में होने का कारण पी तरंगों और एस तरंगों की गति का धीमा पड़ना नहीं है, बल्कि अगर यदि हम कथन को कारण में और कारण को कथन में बदल देते हैं तब व्याख्या होगी। यानी इस प्रश्न में क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी इसमें बी उत्तर सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी आंसर इसका सही होगा। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये गलत शब्द छप गया, भूगर्भिक होना चाहिए, भूगर्भिक निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक काल सबसे प्राचीन है, कौन सा भूगर्भिक काल सबसे प्राचीन है। तो जियो हिस्ट्री के अंदर कालक्रम पढ़े जाते हैं कि कौन काल पहले का है कौन काल पुराना है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, ए ऑप्शन है ओलिगोसीन, बी ऑप्शन है कार्बोनिफेरस, सी है डिवोनियन और डी है आर्डोविशियन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा काल सबसे प्राचीन है, तो सोच के इसका जवाब देंगे। तो जो काल दिए गए हैं उसमें से सबसे प्राचीन काल है वो है आर्डोविशियन, क्योंकि कैम्ब्रियन से शुरू किया जाता है, तो कैम्ब्रियन के बाद ही नंबर आता है आर्डोविशियन का।
कैम्ब्रियन, उसके बाद आता है आर्डोविशियन, फिर आता है सिल्यूरियन, फिर आता है डिवोनियन, फिर आता है कार्बोनिफेरस, फिर आता है परमियन, इसके बाद फिर आता है ट्रियासिक, फिर ईयूसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो इस तरह कैम्ब्रियन के बाद फिर आर्डोविशन का नंबर आता है। कैम्ब्रियन कहीं है नहीं, तो इसमें सबसे प्राचीन काल कौन सा लगेगा? आर्डोविशियन काल। ठीक है, तो उत्तर क्या सही होगा? डी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य तप प्राप्त होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य तप प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है कर्क रेखा पर, बी है भूमध्य रेखा पर, सी है मकर रेखा पर और डी है उपर्युक्त सभी पर। तो इसका उत्तर सोच के मिनट का टाइम देंगे, उसमें आप सोच कर जवाब दीजिए कि ए बी सी डी में से क्या उत्तर सही हो। तो सीधी सी बात है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को अधिकांश पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, पर अधिकतम सूर्य तप मिलेगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है? ये हुआ सन, सूर्य, पृथ्वी, इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें जो हैं वो कहां पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें पड़ती हैं। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो अधिकतम सूर्यातप भी वहीं पर मिलेगा, इसलिए उत्तर क्या होगा आपका? भूमध्य रेखा, यानी आंसर बी उत्तर सही होगा। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप किसे प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है विशाल्ट गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, विशाल्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता, यानी विशाल्ट गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पृथक करता है, यानी किसे अलग करता है? ए ऑप्शन दिया है भूपृष्ठ को मेंटल से, बी ऑप्शन दिया है मेंटल को बाह्य क्रोड से, सी ऑप्शन दिया है बाह्य क्रोड को आंतरिक मेंटल से और डी ऑप्शन दिया है बाह्य, यहां शब्द मिस हो गया है, बाह्य क्रोड होना चाहिए, बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो सोच कर बताइए कि विशाल्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करती है? ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का अंतराल है, इसके अंदर तीन मंडल, यहां पर पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो विसंगति तल है वो कहलाता मोहो, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ये मुख्य मुख्य विसंगति तल है, मोह विसंगति तल, और मेंटल और कोर के बीच जो
विसंगति तल है उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग विसार्ट गुटेनबर्ग विसंगति तल। तो ये कहां पर है? मेंटल और कोर के मध्य। अब क्रस्ट में भी दो पार्ट है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी भूपृष्ठ निचला भूपृष्ठ। मेंटल में भी दो परतें हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल, यानी ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। फिर कोर जो है, कोर में भी दो मंडल है, यानी बाह्य आंतरिक रोड। तो इसे कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि विसार्ट गुटेनबर्ग विसंगति तल एक तो मेंटल और कोर के मध्य, दूसरा लोअर मेंटल और अपर कोर के मध्य, अगला मेंटल और अपर कोर आउटर कोर के मध्य। तो जिस तरह का ऑप्शन आपके पास हो वैसे आप उत्तर लगा सकते हैं। इसमें जिस तरह के उत्तर दिए उसमें क्या होगा, मेंटल तथा बाह्य क्रोड के मध्य, यानी मेंटल का निचला हिस्सा और आउटर कोर यानी बाह्य क्रोड का के बीच का जो हिस्सा है वो क्या है आपका, विसार्ट गुटेनबर्ग विसंगति तल। यानी उत्तर क्या होगा, बी आंसर सही होगा कि मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना या प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना या प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस प्रतिपादक है। ए ऑप्शन जेम जीन्स, बी है रसेल, सी है लाप्लास और डी है चैम्बरलिन। तो ये बताना है आपको कि ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, यानी उत्तर डी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। और ऑप्शन दिए हैं आपको, ए ऑप्शन है पर्वत, बी पठार, सी मैदान और डी महाद्वीप। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उच्चावच प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, आंसर क्या सही होगा, महाद्वीप। उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रथम श्रेणी का उच्चावच, उसके बाद द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तीसरा तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तो ये उच्चावच जो है तीन प्रकार के। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में वो उच्चावच आते हैं जिनका निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ। तो पृथ्वी जब पहले गर्म थी, जब शीतल होकर ठोस हुई, तो सबसे पहले उस पर महाद्वीप और महासागरी नितल का निर्माण हुआ। महाद्वीप व महासागरी तली या महासागरी नितल। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, यानी महासागरी नितल और महाद्वीप को प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में वे सारे के सारे स्थल रूप आते हैं अंतर्क्रिया द्वारा निर्मित है। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि, भ्रंश, ये सब के सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत
और तिरपी सेंटर चावच के अंतर्गत वो सारे लैंडफॉर्म आते हैं जो बाह्य क्रिया या बहिर्जात प्रक्रम के द्वारा निर्मित हैं। बहिर्जात प्रक्रम द्वारा निर्मित यानी जैसे नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, पवन चलने वाली पवन के द्वारा, सागरी तरंगों के द्वारा, इन सब के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं, स्थल रूप बनते हैं, वो सब के तृतीय श्रेणी में जाते हैं। तो यानी आपका उत्तर क्या होगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित होगा महाद्वीप। उत्तर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी हमारा अपना बनाया हुआ प्रश्न। सेंटेंस फर्स्ट में क्या लिखा है कि शुक्र को पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी सदृश ग्रह कहते हैं। बी में लिखा है मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब इसके बाद कूट में है कि ए ऑप्शन में दिया है कि सिर्फ फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन में कि सिर्फ सेकंड सही है, सी में फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, और डी में है ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए सेंटेंस फर्स्ट जो है गलत है, किस लिखा है शुक्र को पृथ्वी सदृश ग्रह कहा जाता है, ये गलत है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी सदृश ग्रह नहीं कहा जाता है, पहला गलत। अगला क्या है, मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यह भी गलत, क्योंकि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या प्लैनेट को कहा जाता है, जबकि मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहा जाता है। तो दोनों के दोनों कथन गलत है, यानी क्या होगा, उत्तर डी होगा कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो आंसर क्या होगा, डी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंतराल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पृथ्वी के बारे में हमें के अंतराल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ए ऑप्शन लिखा है सिर्फ पी तरंगों से, बी सिर्फ एस तरंगों से, सी पी व एस तरंगों से, डी पी एस तथा एल तरंगों से। ये क्वेश्चन भी हमारा बनाया हुआ है, तो उत्तर दीजिए इसका कि क्या आंसर इसका सही होगा। सिर्फ पी तरंगे, सिर्फ एस तरंगे, पी व एस तरंगे, और डी में है पी एस तथा एल तरंगे। प्रश्न में क्या पूछा है कि हमें पृथ्वी के अंतराल के बारे में जानकारी मिलती है, तो पृथ्वी के अंतराल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो सिर्फ हमें पी तथा एस तरंगों के द्वारा मिलती है। एल तरंगों के द्वारा पृथ्वी के अंतराल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि एल तरंगे सिर्फ सरफेस के ऊपर यानी धरातल के ऊपर ही चलती हैं एल तरंगे, इसलिए हमें जानकारी सिर्फ पी तथा एस तरंगों के द्वारा ही मिलती है। तो उत्तर क्या सही होगा आपका, सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय या आईएसटी पर सोमवार रात्रि का 2 बजा है, तो ग्रीनविच मध्य समय या जीएमटी पर कितना बजा होगा। प्रश्न क्या है कि भारतीय मानक समय या आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर सोमवार रात्रि का 2 बजा है, तो ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम पर कितना बजा होगा। ऑप्शन क्या है, सोमवार प्रातः 7:30, बी ऑप्शन है सोमवार रात्रि 8:30, सी ऑप्शन क्या है मंगलवार रात्रि 8:30, और डी ऑप्शन क्या है रविवार रात्रि 8:30। ये प्रश्न भी हमारा अपना बनाया हुआ है, आप इस प्रश्न का सोचकर जवाब दीजिए कि क्या उत्तर सही होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं, इसमें
क्या लिखा है कि जीएमटी सॉरी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर बजा है सोमवार कितना है 2 बजे, रात्रि का 2 बजा है। तो पूछा है कि जीएमटी पर कितना बजा होगा। अब जीएमटी का टाइम और आईएसटी टाइम में क्या अंतर संबंध है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी जीएमटी आईएसटी से 5.5 घंटे पीछे चलेगा। माने जीएमटी की स्थिति कहां पर होगी? यहां। अब जीएमटी जो है 5.5 घंटा कम, 5.5 घंटा समय को पीछे लाइए, रात्रि का 2 बजा है, 2 घंटा पीछे करिए तो बजा रात का 12। अभी 3.5 घंटा और कम करना है, 3.5 घंटा कम करेंगे तो बजेगा रात्रि का 8:30। लेकिन वो दिन क्या हो जाएगा, 12 से जैसे ही पीछे जाएंगे तो दिन क्या मिलेगा हमें? रविवार। यानी जीएमटी पर रविवार का रात्रि का 8:30 बजा होगा। तो आंसर क्या सही होगा? रात्रि 8:30 रविवार का। ये गलत, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न क्या है कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण एकीकृत स्थल मंडल के चारों ओर पहले विशाल महासागर का नाम था। क्या है? कार्बोनिफेरस में संपूर्ण एकीकृत स्थल मंडल के चारों ओर पहले विशाल महासागर का नाम था। ऑप्शन क्या है? ए पेंजिया, बी पेंथालासा, सी गोंडवानालैंड और डी लारेशिया। तो सोचकर आप उत्तर बताइए। चलिए, तो क्या है, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण स्थलखंड एक स्थान पर केंद्रित था और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ विशाल जलराशि थी, इस जलराशि का नाम उन्होंने क्या दिया था? पेंथालासा। पेंथालासा। और वही पूछा है, प्रश्न पूछा है कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण एकीकृत स्थलखंड माने पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर का नाम था। तो क्या नाम था विशाल महासागर का? पेंथालासा। यानी उत्तर आपका बी सही होगा। तो आज की ये प्रैक्टिस सेट का की श्रृंखला आज यहाँ माने आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी और इसमें हम पुराने प्रश्न और पुराने प्रश्नों के बेस पर जो नए प्रश्न बनते हैं उनको बनाएंगे और कुछ बिल्कुल नए प्रश्न हम बनाकर रखते रहते हैं आपके सामने जो बिल्कुल ही नए हैं, जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी, बेहद महत्वपूर्ण है। तो उन नए प्रश्नों को भी हम अपने प्रैक्टिस सेट में शामिल करेंगे। तो आप अपनी जो भी LT, TGT, PGT परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको ये आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए, आज का टेस्ट यहीं समाप्त होगा। अगली प्रैक्टिस सेट की अगली श्रृंखला में, अगले सेट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।